नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ एकदम मॉल और थिएटर में मिलने वाला एकदम स्वीट मसाला कॉर्न बनाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और चटाकेदार दिखेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक भुट्टा के दाने निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने निकाल कर रख लिया हूँ। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए हम यहाँ पर पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। जब आपका पानी अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम यहाँ पर स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर एक बड़े चम्मच से नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब आपका 10 मिनट हो जाए, तो समझ आना कि हमारे यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो गया है स्वीट कॉर्न। उसके बाद निकाल लेंगे बाहर, मतलब हम छन्नी से इसको छान लेंगे स्वीट कॉर्न को। उसके बाद हम एक दाना लेंगे और इसको तो चखेंगे तो स्वीट कॉर्न में नमकीन सा लगेगा, तो इसको हम रख देंगे साइड में। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक बर्तन ले लिए हैं, उसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे देसी घी। आप यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, तो देसी घी सबके पास होता है घरों में। और जब घी पिघल जाए, तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, पानी अच्छे से निकल गया है। तो स्वीट कॉर्न ऐड करने के बाद अब हमें इन्हें 2 मिनट तक ऐसे ही चला चला कर भूनना है। जब हम 2 मिनट तक ऐसे भूंजेगा ना, तो स्वीट कॉर्न में एकदम सोंधापन आ जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। और अब बारी है यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और इसी के साथ हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा चटपटा करने के लिए मैं यहाँ पर आधा चम्मच ऐड कर रहा हूँ चाट मसाला। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। तो ये तैयार हो गया है दोस्तों हमारा स्पाइसी मसाला कॉर्न, एकदम मॉल जैसे और थिएटर में मिलने वाला जो स्वीट कॉर्न होता है ना, वो इस तरह हमारा बन के तैयार हो गया है दोस्तों। इसे आप सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों, ये मसाला कॉर्न एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे आपको ये लगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।